हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा हॉर्नेट 160R के बारे में। आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहा था फ्रेंड्स, होंडा हॉर्नेट 2.0 BS6 मॉडल का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें आपने काफी ज्यादा कमेंट्स किया था कि हॉर्नेट 160R जो है उसे कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है क्या, और ये बाइक अब देखने को मिलेगी या नहीं, और अगर देखने को मिलेगी तो क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस रहेगा इसका BS6 मॉडल में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं होंडा हॉर्नेट 160R को लेकर वो सब मैं क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपकी बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बाइक अपडेट्स है वो आपको अपने ब्रो के चैनल पर ही देखने को मिलती है। तो हम बात करना चाहेंगे हॉर्नेट के बारे में। तो सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, अभी 160cc सेगमेंट में अगर आप देखते हैं होंडा के तरफ, तो होंडा में आपको दो अभी बाइक्स देखने को मिल जाती है, मतलब दो बाइक्स अभी कंपनी ऑफर कर रही है आपको। एक है फ्रेंड्स होंडा एक्स ब्लेड, आपको देखने को मिलता है BS6 मॉडल में, और दूसरा है फ्रेंड्स होंडा यूनिकॉर्न, जो कि आपको देखने को मिलता है BS6 मॉडल में, और दोनों ही 160cc सेगमेंट की बाइक है। बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर होंडा अगर अपनी हॉर्नेट को 160R अगर लॉन्च करती तो ऐसे में आपको कंपनी में तीन ऑफरिंग्स देखने को मिल जाती, तो ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि वो कौन सी बाइक के तरफ जाएं। तो कंपनी ने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस बार हॉर्नेट को जो है वो लॉन्च किया 180cc की सेगमेंट में। तो अगर आप देखते हैं तो अभी जो आपको हॉर्नेट 2.0 देखने को मिल रहा है वो आपको 184cc के साथ देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको पावर फिगर्स जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है कंपनी ने। अब आपको उसमें 17.26 PS का पावर देखने को मिलता है और 16.1 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है हॉर्नेट 2.0 में। तो अब बात करते हैं कि अब कंपनी 160R को लॉन्च करेगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, कंपनी अब 160R को लॉन्च नहीं करेगी। उसका मेजर रीजन होता है फ्रेंड्स कि जैसा कि आप जानते हैं, जब कंपनी ने एक्स ब्लेड को लॉन्च किया तो उसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन इसमें दे दिया, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता था, और इंजन किल स्विच वगैरह भी कंपनी ने ऐड कर दिया। तो प्राइसिंग जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पर चला गया था एक्स ब्लेड का, 1,24,000 रुपीज के अप्रॉक्स में आपको उसका प्राइसिंग देखने को मिलता था, जो कि देखा जाए तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा हो जाता है पहले से अगर आप उसे कंपेयर करते हैं। तो ऐसे में अगर कंपनी हॉर्नेट को लॉन्च करती 160R में तो उसका जो प्राइसिंग है वो और भी ज्यादा हो जाता, तो प्राइसिंग ज्यादा हो जाता तो बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं रहती। इसीलिए कंपनी ने उसे डिसकंटिन्यू करके उसे 180cc सेगमेंट में लॉन्च किया, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको फीचर्स भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जा रहा है और लुक्स भी बाइक का जो है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। लुक्स वाइज अगर बात करते हैं तो जो बाइक है वो आपको 160R जो पहले आता था उससे ज्यादा अच्छा लुक्स में देखने को मिलता है, बट कुछ कमी जो है वो कंपनी ने इस बाइक में भी छोड़ दिया। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें आपको 180cc की होने के बाद भी जो इसका पावर है वो आपको 160cc सेगमेंट वाला ही देखने को मिलता है। 17 PS का आपको पावर देखने को मिलता है और 16 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो 180cc सेगमेंट के हिसाब से काफी कम है। और इसका जो इंजन है उसे भी कंपनी ने एयर कूल्ड ही रहने दिया। हमें काफी ज्यादा उम्मीद था कि इस बाइक में कंपनी कम से कम ऑयल कूल्ड ऑफर करेगी, बट कंपनी ने इसमें ऑयल कूल्ड ऑफर नहीं किया, तो ये सब भी कमी कंपनी ने इसमें छोड़ दिया। बट अदरवाइज अगर आप लुक वाइज देखते हैं तो ये आपको काफी अच्छा ऑफरिंग देखने को मिल जाता है। अगर आप लुक के पर्पज से बाइक लेना चाह रहे थे और अगर आपको मतलब ज्यादा पावर फिगर्स वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वगैरह हैं और आपको अच्छा माइलेज भी चाहिए, तो आप 2.0 के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपका बजट कम है और अगर आप ऑफिस गोइंग है, अगर आपको माइलेज से भी थोड़ा फर्क पड़ता है, तो फ्रेंड्स आप एक्स ब्लेड के लिए जा सकते हैं। वो आपको काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है अभी 160cc सेगमेंट में होंडा की तरफ से, और फ्रेंड्स उसमें आपको डुअल डिस्क का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप कंफर्ट के लिए भी और डेली यूज के लिए आप उस बाइक के साथ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप फैमिली पर्पस के लिए बाइक लेने का सोच रहे थे, फैमिली यूज के लिए अच्छी बाइक जिसमें कि आपको अच्छा खासा पावर फिगर्स देखने को मिल जाए, तो आप यूनिकॉर्न के साथ भी जा सकते हैं। उसमें आपको 12.91 PS का आपको पावर देखने को मिल जाएगा और 14 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा, तो फैमिली पर्पज से भी वो काफी अच्छा आपके लिए एक ऑप्शन हो जाता है। और अगर आपको फ्रेंड्स डेली कम्यूटिंग के लिए चाहिए तो एक्स ब्लेड भी आपको अच्छा पावर फिगर्स ऑफर करता है। उसमें आपको 13.8 PS का पावर मिल जाता है और 14.7 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। अगर आपका बजट फ्रेंड्स अगर कम है, अगर मीडियम में आपका बजट है, तो आप एक्स ब्लेड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो यूनिकॉर्न और हॉर्नेट 2.0 के बीच में एक आपको काफी अच्छा ऑफरिंग देखने को मिल जाता है। बट अगर आपका बजट कम है और अगर आपको डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक चाहिए, तो आप यूनिकॉर्न के साथ भी जा सकते हैं। उसका भी इंजन आपको काफी रिफाइंड देखने को मिलता है। और अगर आप अच्छा फ्रेंड्स अगर आपका बजट का अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है और आपको अच्छा लुक्स के साथ एक बाइक चाहिए, तो आप 2.0 के साथ भी जा सकते हैं। वो भी काफी अच्छा आपको ऑप्शन अभी देखने को मिल रहा है होंडा की तरफ से। तो फ्रेंड्स बात करते हैं 160R के बारे में। तो 160R अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि उन्हें 160R पसंद है, उसका लुक्स आपको पसंद है, तो 2.0 का भी जो लुक्स है वो आपको लगभग में काफी मिलता जुलता है हॉर्नेट से, तो लुक्स वाइज वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। बट अगर आपका फ्रेंड्स बजट कम है तो थोड़ा आपको उसमें फर्क पड़ सकता है, बट ये भी आपको काफी अच्छा भी ऑफरिंग देखने को मिलता है।
तो अब आपको हॉर्नेट 160R देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में, आपको हॉर्नेट 2.0 ही देखने को मिलेगा। तो आप इस बाइक को चाहे तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम पर जाकर बुक करवा सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स होंडा हॉर्नेट 160R के बारे में फुल डिटेल्स। तो होप करता हूँ आपकी जितनी भी डाउट्स होंगी इस बाइक को लेकर वो सब क्लियर हो गई। अगर फिर भी आपकी कुछ डाउट्स रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी बाइक अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।